नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे नंबर वन बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आज लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे देश में इसकी रौनक, इसकी रंगत देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। छठ व्रतियों ने छठ घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और कल सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे के इस महा उपवास के महापर्व का समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को अब अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि ये पावन दिवस हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ के हर जिले में बड़े ही उत्साह के साथ छठ का पर्व मनाया जा रहा है। तो अलग अलग जिलों से तस्वीरें जो आई हैं वो आपको अब दिखा देते हैं। क्या रंगत देखने को मिल रही है अंबिकापुर से। बलरामपुर में भी पूरा परिवार एकजुट नजर आया, आस्था के इस महापर्व को मनाता नजर आया। मनेन्द्रगढ़ में भी व्रती जो हैं वो घाटों पर पहुंचे और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। तो दंतेवाड़ा में भी छठ के गीत, छठ के जो भजन होते हैं उनकी गूंज सुनाई दी और यहाँ पर भी व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अब कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी जो है वो कर चुके हैं। चार तस्वीरें और रायगढ़ की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सूरजपुर, कोरबा और दुर्ग की। रायगढ़ में आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो घाट है उनको सजाया गया था। सूरजपुर में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए ये मनोरम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रंगोली यहाँ पर सजाई गई, बहुत सुंदर छठी मैया की तस्वीर बनाई गई। कोरबा की भी बात करें तो कोरबा में भी देख सकते हैं घाटों पर यहाँ पर मंडप बनाया गया। यहाँ जो गन्ने होते हैं उसका मंडप बनाया जाता है और जो भी जो सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जो होते हैं फल, उनके उनका भोग लगाया जाता है। दुर्ग में भी आप देख सकते हैं, दुर्ग भिलाई जो है ट्विन सिटी के साथ ही मिनी इंडिया से कहा जाता है और इसमें पूरे देश भर के लोग जब पहुंचते हैं तो रंगत, यहां का रंग, उमंग, उत्साह सब कुछ देखते ही बनता है। और जगदलपुर को कैसे भूल सकते हैं, जगदलपुर समेत पूरे बस्तर क्षेत्र में भी छठ की छठा नजर आ रही है। जगदलपुर शहर के गंगा मुंडा तालाब पर सैकड़ों संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर छठ व्रतियों के साथ उनके परिजन और आम श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचे थे। कल सुबह छठ व्रती महिलाएं उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे के अपने महा उपवास का पारण करेंगी। लोक आस्था का ऐसा पर्व है जो जाति, धर्म, संप्रदाय सब भेद तोड़कर एक प्रकृति उपासना का पर्व है और सारा विश्व जहां उगते सूर्य की पूजा करता है, केवल एक हमारा छठ पर्व ही ऐसा है जो सबसे पहले डूबते सूर्य की आराधना करता है और उसके बाद उगते सूर्य को आराधना करता है। तो हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जो डूबा है उसका उदय होगा, यही सीख हमें प्रकृति के महापर्व छठ पर्व से मिलती है। छठ पर्व हमारे मिथिलावासियों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको बहुत परंपरा से भी माना जाता है, आदिकाल से चला आ रहा है। सीता माता भी इस त्यौहार को पहली बार की थी और बहुत समय से होता आ रहा है और यह सुख समृद्धि और घर की शांति के लिए किया जाता है, अपने पुत्र बच्चों और अपने सुहाग के लिए किया जाता है। तो आस्था के महापर्व छठ का, छठ पूजा का आज तीसरा दिन रहा और आज छठ व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य देवता को अर्घ्य देती हुई नजर आईं। बिलासपुर, जिसे संस्कार धानी भी कहा जाता है, तोरवा अरपा छठ घाट पर बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचे हुए थे और भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। माँ छठी मैया जो हैं उनकी पूजा अर्चना की गई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। चौथे दिन यानी कि कल छठ व्रती घाट पर पहुंचेंगे। कल सुबह जब सूर्योदय होगा उसके पहले ही घाट पर पहुँच जाएंगे और फिर उदीयमान यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर व्रत का पारण किया जाएगा।
शांति सबके परिवार को सुख शांति छठ मैया दे, दिनकर दीनानाथ दे। लगातार चार दिनों का ये महापर्व होता है, चार दिनों में क्या कुछ पहले दिन का पर्व के दिन किया जाता है, दूसरे दिन क्या क्या? सबसे पहले दिन नहाई खाई होता है, जो हमारा बिहार का पारंपरिक भोजन है, दाल चावल लौकी का सब्जी वो खाया जाता है। अगले दिन पूरा दिन व्रतधारी उपास रखती है और वो शाम को चावल और गुड़ का खीर बनाती है और वही खाती है। उसके निर्जला उपास करती उस दिन भी, और उसके बाद से अगले दिन तक आज तक पूरा निर्जला उपास करती हैं और एक ठेकुआ पिरिकिया ये सब बनाती हैं और सूरज भगवान को पूरा अर्पित करती हैं, परिवार की सुख समृद्धि, पति परिवार सबके दीर्घायु के लिए। बिल्कुल, ये 36 घंटे का महापर्व माना जाता है। उदयमान होते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने उपवास का समापन करेंगी और ये लोक आस्था का महापर्व है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 900 मीटर दूर तक ये फैला जो घाट है, आपको यहाँ पर छठ व्रतियों से भरा हुआ ये घाट दिखाई दे रहा होगा। हर कोई भगवान सूर्य को नमन करते हुए दिखाई दे रहा है, जल अर्घ करते हुए दिखाई दे रहा है और ये मांग करता है और ये उपासना करती है कि उनके घर की खुशहाली हो, पति की लंबी आयु हो, इसके साथ ही देश की खुशहाली हो। इन्हीं कामनाओं के साथ छठव्रती जो है वो घाटों में पहुंच रही हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। और तस्वीरें आपको अब दुर्ग की भी दिखाते हैं, भिलाई की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ट्विन सिटी जो कहा जाता है, वहां पर देखिए छठ का पर्व और छठ की छटा कितनी अद्भुत नजर आती है। यहां पर तो सभी लोग, क्योंकि मिनी इंडिया भी इसे भिलाई को कहा जाता है, तो यहां पर सभी लोग पहुंचते हैं। अद्भुत तरीके से यहाँ पर मंडप सजाया जाता है, यहाँ तैयारियाँ की जाती हैं। देखिए कितना अद्भुत यहाँ पर रंगत नजर आई है छठ के पर्व की। और छठ घाट पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पूरे परिवार के साथ लोग पहुंचे थे और छठ का ये पर्व मनाया गया। यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। छठ का पर्व आज संपूर्ण भिलाई दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भिलाई का सबसे बड़ा ये तालाब माना जाता है, सबसे प्रमुख ये तालाब भिलाई का सकट्टू का तालाब माना जाता है, जहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह हजारों की संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार यहाँ पहुँचे हुए हैं। खासतौर पर उत्तर भारत का ये प्रमुख त्यौहार कहलाता है और यही वजह है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। किस तरह से छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं आप देख सकते हैं। व्रतधारी महिलाएं 36 घंटे से लगातार व्रत रखी हुई हैं और देख सकते हैं कि कितना सुंदर मनोरम ये दृश्य है, जिसको देख कर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि चारों ओर यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि छठ का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यही वजह है कि परिवार की खुशहाली के लिए, संतान की खुशहाली के लिए ये व्रत किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये व्रत कहलाता है। कुछ लोगों से बातचीत की, आज छठ का पर्व कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये देख ही रहे हैं यहाँ का मजमा बहुत बढ़िया रहता है। आज किस तरह से करेंगे आप? आज क्या क्या होगा? आज ये आज के कार्यक्रम ये जो चल रहा है, अब सुबेरे फिर हम लोग आएंगे छठ घाट के ऊपर और खुद को ये देंगे, हाँ अर्घ देंगे, सुबह भी अर्घ दिया जाएगा। ना सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई की परंपरा रही है कि कोई भी त्यौहार जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यही वजह है कि आज जो उत्तर भारतवासी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भिलाई जो है वो उमड़ पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर भारतीय हो, बल्कि हर प्रांत के हर तरह के यहाँ पर लोग शामिल हैं जो इस पर्व को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये त्यौहार माना जाता है और देख सकते हैं कि कितना काफ़ी खुशनुमा ये माहौल नजर आ रहा है। आप लोग भी छठ में पहुंचे हुए, कैसी तैयारी, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है छठ पर्व में आकर, ये तो हमारा महापर्व है, इसको मनाने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ से लोग बाहर बाहर से आते हैं ये मनाने के लिए, और ये इतना बड़ा पर्व है कि दुनिया मनाती है इसको, इसमें कोई जात नहीं रहता, सब जात मनाती है खुशी से। इस तरह की तैयारियाँ रही आप लोग? बहुत अच्छी तैयारी रही हमारी यहाँ की, बहुत मेहनत से लगता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसको, हर एक चीज पावन होता है, हर एक चीज साफ सुथरे से बनता है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है, खुशी से मनाया जाता है त्यौहार। आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। देखिए काफ़ी धूमधाम के साथ परंपरागत तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। कल सुबह जब सूर्य होगा उस दौरान में अर्घ देकर महिलाएं अपने व्रत को पूरा करेंगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।
और आइए अब लिए चलते हैं आपको कोरबा, ऊर्जा उत्सर्जन का क्षेत्र। ऊर्जा यहां से निकलती है, यानी बिजली बनाने का काम होता है, लेकिन यहां देखिए कितनी ऊर्जा यहां के लोगों में नजर आ रही है इस छठ के महापर्व पर। घाटों पर व्रती जो हैं उन्होंने खासी तैयारियां की थी और यहां पर पूरा परिवार एकजुट होकर इस आस्था के महापर्व को इस अंदाज में मनाता नजर आया। छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस वक्त हम ढेगू डाला मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हजारों की जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ लोग जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्सव मना रहे हैं, और यहाँ पर जो भीड़ है वो हजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, और लोग जो है अपना ये पर्व है वो बड़ी आराधना के साथ, बड़े उत्साह के साथ जो लोग हैं पूर्वांचल के लोग हैं वो मना रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, कोरबा। और सूरजपुर की तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं कि क्या छठ की रौनक यहाँ पर नजर आई, कितना उत्साह यहाँ पर लोगों पे नजर आया। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, ये पूरे परिवार का त्यौहार है, तो पूरे परिवार कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए पूरा परिवार यहाँ पर नजर। आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं अभी हम सूरजपुर के जरही छठ घाट पर मौजूद है। देख सकते हैं कि जो नहाए खाए के साथ जो आस्था का महापर्व छठ की जो शुरुआत हुई थी उसका आज तीसरा दिन है। भारी संख्या में यहाँ हजारों की संख्या में जो व्रती है वो पहुँचे हुए हैं, और ये जो आस्था का महापर्व है ये कल उगते सूर्य को अर्घ्य दे के उसके बाद का समापन होगा। एक और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये छठ घाट में केवल सूरजपुर जिले के जरही की बात नहीं है, जगह जगह पर यहाँ ये जो प्रोजेक्टर माध्यम से यहाँ जो लगाया गया है वो वर्ल्ड कप का भी असर देखने को मिल रहा है। जो वनडे वर्ल्ड कप है, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, उसे यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ये पाला है कि एक और महापर्व श्रद्धालु, और दूसरी ओर जो क्रिकेट प्रेमी है उनके द्वारा भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, और जो भारत ऑस्ट्रेलिया का रोमांचक मैच फिलहाल जारी है वो मैच को यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग देख रहे हैं। ऐसे में जो लोकतंत्र का महापर्व है और एक और भारत का वर्ल्ड कप, दोनों ही आज यहाँ श्रद्धालु और आम लोगों के बीच बेहद खास बना हुआ है। वरुण राय, न्यूज 18, सूरजपुर। 3 विकेट अभी तक ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं। कंगारुओं के साथ भिड़ंत लगातार जारी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, और वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का खुमार पूरे देशवासियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसे सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता तक अछूते नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम पहुंच गए, जहां पर सीएम बघेल आम लोगों के बीच बैठकर अपने मंत्रिमंडल, विधायकों और सांसदों के साथ क्रिकेट मैच देखने पहुंचे थे। स्टेडियम में बड़े पैमाने पर दर्शक मौजूद रहे, इसके लिए स्टेडियम में मैच देखने की खास व्यवस्था भी की गई है। और चलिए बढ़ते आगे। केरला की महिला खिलाड़ी इन दिनों छत्तीसगढ़ आई हुई हैं और अलग अलग राज्य की टीमें अभ्यास कर रही हैं। भावी खिलाड़ियों को भरोसा है कि भारत की जीत तो जरूर होगी, यानी कि जीतेगा तो इंडिया ही। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, और बच्चे हों या बुजुर्ग, गृहिणियां हों या फिर राजनेता, हर कोई आज मैच का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं सियासत के महासंग्राम की। तो सियासत का महासंग्राम अभी थमा नहीं है, नतीजे आने तक यह जारी है, क्योंकि बयानबाजी हो रही है तो कोई आराम फरमा रहा है
लेकिन नतीजों का इंतजार सबको है। अंबिकापुर में वोटिंग के बाद मंत्री अमरजीत भगत अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते उनकी मां से उनकी काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने पांचवीं बार सीतापुर सीट से जीत का दावा भी किया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान 17 नवंबर को हो चुका है। ऐसे में इस वक्त हम मंत्री अमरजीत के बंगले में हैं और उनके साथ आज उनकी माँ भी दिख रही है। कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं वोट खत्म होने के बाद? हम तो पहले भी रिलैक्स थे, आज भी रिलैक्स है और आगे भी रिलैक्स रहेंगे। हमारे सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना है। और सीतापुर विधानसभा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ का लोगों का झुकाव, लोगों का जुड़ाव ऐसा है कि वहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती है। अभी भी कांग्रेस ही जीतेगी और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस को ही लोग जिताएंगे। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी वक्त हो गया माँ से नहीं मुलाकात हुआ आज। हाँ, इस बार मेरे लिए बड़ा बेचैनी था कि मैं माँ से नहीं मिल पा रहा हूँ। और उस दिन भी नामांकन और स्क्रूटनी के बाद मैं तुरंत निकल गया। बाद में फ़ोन में बात किया था, अभी नहीं मिल पाया तो माँ पता चला कि अभी मैं रायपुर मीटिंग में निकलने वाला हूँ, तो खुद ही चली आई। काम अभी भी उसी तरीके से? आपके बंगले में हमेशा भीड़ रहता है? हमारे काम तो वैसे ही है, और लेकिन अभी जब तक अभी परिणाम नहीं आ रहा है तब तक लोग भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कहीं कोई बहुत ज़्यादा काम के लिए। जल्दीबाजी किसी को नहीं है। लोग अपने अपने गांव में क्या रहा उसी का समीक्षा, और सब लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, बोले कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। जवाबदारी पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि जितनी घोषणाएं हम लोगों ने की है अब उसको पूरा करने का वक्त रहेगा। उसमें बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती रहेगा उसको हम पूरा करना, और उसको सरकार के आने की बात करेंगे। तो ये थे मंत्री अमरजीत भगत, जो चार बार सीतापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर पांचवी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी और मिलेगी। श्रवण महंत, News18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। केशकाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संत राम नेताम और अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हो चले हैं। नेताम जिले के पदाधिकारियों की शिकायत लेकर रायपुर पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेनन को पार्टी से बाहर करने की वो मांग कर रहे हैं। राजीव भवन पर जमकर उन्होंने हंगामा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई अगर नहीं की गई तो फिर ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष तक सब कांग्रेस से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। बाद आज समीक्षा मैडम ले रहे हैं, उसमें मैं आया था। साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जिला के प्रदेश के सारे कांग्रेस के बूथ और सेक्टर जोन के लोग काफ़ी आक्रोशित में थे कि अमीन मेमन जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है उन्होंने पार्टी विरोध काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग आपकी बात को सुने हैं, आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने, और समय पर उचित कार्रवाई होगी। हाँ, ये अमीन मेमन को आप पहले भी जानते हैं कि अंतागढ़ में सौदाबाजी करके लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, और वो पैसे लेने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेता है और कांग्रेस को नुकसान करता है। हम लोगों ने मांग किया कि ऐसे गद्दारों को यहाँ पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाला समय में अगर ऐसा करेगा तो हम सारे केशकाल विधानसभा के बूथ सेक्टर जोन और ब्लॉक और जिले सारे लोग एक साथ ही। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हो चुका है, अब वोटों की गिनती और फिर नतीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बयानबाजी भी होने लगी है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह कह रही हैं कि वो अपनी मां को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन रेणुका सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बेटी के रूप में उन्होंने अपनी मां के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी वही स्वीकार होगा कि कौन सीएम होगा। रेणुका सिंह ने सीएम बघेल पर निशाना भी साधा। जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं, तो सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहती हूं, और माता जी तो है ही मेरी, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। भाई अभी मैं
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक का चुनाव लड़ी, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो नॉन पॉलिटिशियन है, एक यानी सांसद और मंत्री की बेटी जरूर है लेकिन राजनीति की उसी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने एक बेटी के रूप में अपनी माँ के लिए इच्छा जताई है, और जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए उम्मीद रखती है कि हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े, तो इसी तरीके से उसने एक बेटी के रूप में कहा है। जो भी करेगी भारतीय जनता पार्टी की संगठन करेगी। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों के 2020 पर। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में विश्व विजेता की फाइनल जंग जारी, भारत ने बनाए 240 रन, विराट कोहली और केएल राहुल ने जड़ा अर्धशतक। दुर्ग में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ का पर्व, घाटों को साफ सुथरा कर सुंदर तरीके से सजाया गया, चारों तरफ सुनाई दे रहे छठ मैया के गीत। अंबिकापुर में छठ घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, सत्ती पारा के मौलवी बांध में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, ढलते हुए सूर्य को दिया जा रहा अर्घ्य। मनेन्द्रगढ़ में छठ घाट पर सज धज कर पूरी तरह से तैयार, भारी संख्या में घाटों पर पहुंची महिलाएं, आर्टिफिशियल तालाब बनाकर मनाया गया छठ का महापर्व। बलरामपुर में छठ महापर्व को लेकर घाट हुए थे तैयार, व्रती महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची घाट, जिले में दिख रहा छठ व्रत का उत्साह। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, कल से 48 यात्री ट्रेनें रद्द, 25 से 4 दिसंबर 2023 तक रद्द रहेंगी रेलगाड़ियां। गरियाबंद में डॉक्टर के सुसाइड से हड़कंप, महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर दी जान, घर में मिला महिला का शव, जांच में जुटी। जशपुर में भतीजे ने बुजुर्ग चाचा की हत्या, हत्या के बाद भतीजे ने शव को दफनाया, मौके से भतीजा और उसका परिवार फरार, कांसाबेल थाने के बटई किला की घटना। बलरामपुर में 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त, पुलिस ने छापेमारी के दौरान ट्रक से बरामद किया विस्फोटक, दो आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद में एक साथ 17 दुकानों में हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में गुफा से निकाला गया शव, 24 घंटे के बाद डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला शव, रमकोला थाना क्षेत्र के दुलदुला चुंगल की घटना। जशपुर में 35 किलो गांजू के साथ तस्कर गिरफ्तार, जब्त गांजू की कीमत 3,50,000 रुपए, पथलगांव थाने के बटूरा कछार का मामला। कांकेर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में वारदात को दिया अंजाम, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मारी गोली। कोरबा में करंट की चपेट में आकर युवक झुलसा, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच कर रही पुलिस। राजनांदगांव में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, नाबालिग लड़की को भी पुलिस ने किया बरामद, अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। अंबिकापुर में परिवार के साथ नजर आए अमरजीत भगत, मंत्री ने कहा चुनाव के चलते मां से नहीं हुई थी मुलाकात, जीत का किया फिर से दावा। महासमुंद में रेलवे क्रॉसिंग के पास में ट्रेन की चपेट में आई एक लड़की, हादसे में गंभीर रूप से हुई घायल, रेलवे प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। राजनांदगांव में समर्थन मूल्य पर किसानों ने बेचा धान, जिले के 23,000 से ज्यादा किसानों ने बेच दिया धान, अब तक 9.76 लाख क्विंटल धान की खरीद। भिलाई में सड़क दुर्घटना में बीएसपी कर्मी की हुई मौत, खुर्सीपार में सड़क दुर्घटना, ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा। मुंगेली जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की साथ की बैठक, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं की दी जानकारी, का सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है नजर।